परदेसी जान पड़ता है ठाकुर साहब, ये चौथी लाश मिली है। गांव से दूर वीराने में ये लाशें कभी झाड़ियों के बीच मिलती हैं, तो कभी झील में तैरती हुई। ये बात तो हम बाप दादा के जमाने से सुनते आए हैं। मगर इन्हें मारता कौन है? एक जवान औरत जो गांव की सीमा से दूर वीराने में परदेसियों को मिलती है और अपनी जवानी के जाल में फंसा कर कहीं ले जाती है और उनका खून चूस कर छोड़ देती। जासमीन, कहाँ हो तुम? वीराने में। भाई साहब, ये सब मन घड़त कहानियां हैं। आज के दौर में मैं जिन भूत चुड़ैलों पर यकीन नहीं करता। यकीन कीजिए सरकार, चुड़ैलें होती हैं। किसी ने आज तक अपनी आंखों से इन्हें देखा है? मैंने देखा है। कहां जाएंगी आप? जहां ये रास्ता खत्म होता है। लेकिन यहां तो चारों तरफ वीराना है। इस वीराने में एक हवेली भी है। इस हवेली में अकेली रहती हैं आप? अगर आप चाहें तो इस हवेली में आज की रात गुजार सकते हैं। तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। जासमीन, आज की रात मैं तुम्हारी बलि दूंगा और नकिता फिर जन्म लेगी। होश में हूं ठाकुर, तेरी बात का यकीन करो। शी इज पजेस्ड, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसका चेहरा बदल चुका था, इंसान के चेहरे की जगह शैतान का चेहरा था। मार डालूंगी मैं सबको, मार डालूंगी मैं ठाकुर महेंद्र प्रताप और उसके सारे खानदान को। मार डालूंगी सबको। भारतीय उपमहादेश के सबसे सफल हॉरर मूवी वीराना 6 मई 1988 को रिलीज हुई थी, लेकिन 20 जून 1985 को इस फिल्म का एक आधिकारिक पोस्टर जारी किया गया था। दरअसल रामसे भाइयों ने फिल्म पुराना मंदिर के ठीक बाद ही वीराना फिल्म को बनाने की योजना बनाई थी। वीराना फिल्म की कहानी का ख्याल श्याम रामसे को महाबालेश्वर से बंबई वापस आते समय सुनसान सड़क पर एक भूतिया घटना के अनुभव से आया था। इसके बाद उन्होंने इसे अपने यूनिट के कहानीकार डॉक्टर जे के आहूजा साहब को बयां किया और उन्हें इस स्टोरी आइडिया को डेवलप करने के लिए कहा। इसके बाद डॉक्टर जे के आहूजा ने फिल्म वीराना की कहानी लिख डाली। राजन सिप्पी को इस फिल्म का हीरो बनने की पेशकश की गई थी जब रामसे भाई लोग ने इस फिल्म को बनाने के सोचे थे। रामसे ब्रदर्स के बैनर तले निर्मित फिल्म सामरी और डाक बंगला में राजन सिप्पी मुख्य भूमिका निभाए थे, लेकिन ये योजना वास्तव में रंग नहीं लाया। बाद में हेमंत वीरजे वीराना के हीरो बने। राजन सिप्पी अब दुबई में अपना होटल व्यवसाय संभालते हैं। वीराना की कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर और
वीराना फिल्म रिलीज होने के बाद फिल्मी दुनिया में सनसनी मचा देने वाली जैस्मीन के किरदार को पहले एक्ट्रेस रोशनी निभाने वाली थी। रोशनी की स्टार वैल्यू उस समय अच्छी थी जब रामसे भाइयों ने 1985 में वीराना बनाने की योजना बना रहे थे। उन्होंने मुशी रियाज के निर्मित फिल्म समुंदर में सनी देवल के साथ और राजकुमार कोहली द्वारा निर्मित जीने नहीं दूंगा में राज बब्बर के विपरीत में बतौर हीरोइन नजर आए थे। रोशनी केशु रामसे द्वारा निर्मित देर से रिलीज हुई हॉरर मूवी महल की भी हीरोइन बनी थी, लेकिन वीराना के शूटिंग शुरू होने में कुछ देर हो चुकी थी। उतने दिन तक रोशनी का करियर ढलान पर चला गया था, तो रोशनी के जगह जैस्मीन ढुन्ना ने वीराना के जैस्मीन का रोल प्ले किया था। रामसे भाइयों के बहुत करीबी दोस्त और फिल्म वीराना में अहम भूमिका निभाने वाले अभिनेता विजेंद्र घाटके के सलाह पर जैस्मीन को इस फिल्म में कास्ट किया गया था। हिंदी फिल्म जगत के जाने माने वैम्प हुमा खान को फिल्म वीराना में असली चुड़ैल नकिता की भूमिका निभाने का ऑफर किया गया था। हुमा खान को हम पहले भी रामसे ब्रदर्स के फिल्म तहखाना में देख चुके हैं, लेकिन बाद में इस किरदार को कमल रॉय ने अंजाम दिया था। इसके अलावा जब रामसे भाइयों ने पहली बार फिल्म वीराना बनाने के बारे में सोचा, तब उन्होंने प्रेम चोपड़ा, जगदीप और यूनुस परवेज जैसे सीनियर और जाने माने अभिनेता को कास्ट करने के बारे में सोचा था, लेकिन बाद में इन कलाकारों में से कोई भी इस फिल्म में अभिनय नहीं किए। श्याम राम से 2017 में फिल्म वीराना का रीमेक बनाने वाले थे, जिसके प्रोड्यूसर और निर्देशक होने वाली थी उनकी अपनी बेटी साशा राम से, लेकिन अचानक श्याम रामसे के निधन के बाद ये प्रोजेक्ट शायद ठंडे बस्ते में चली गई है।